देखिए, आप सभी मीडिया कर्मचारी को मैं धन्यवाद कहूँगी और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूँगी, क्योंकि जो न्याय मिला मुझे वो उन्हीं के माध्यम से मिला था। और ये जो मैं श्रद्धांजलि सभा कर रही हूँ वो मेरा स्वयं का नहीं है, वो सर्व समाज का है, जिसमें आप सभी शामिल हैं और मेरे साथ के लोग भी शामिल है, मेरा समाज शामिल है, इन सभी का है। और इसमें मैं किसी को आमंत्रण नहीं कर रही हूँ कि आप ये करिए, ये तो श्रद्धांजलि की सभा है, आप सभी आकर के उनको श्रद्धांजलि दें, क्योंकि कहीं ना कहीं उस आतंक का खात्मा हुआ है जिसके भय के सहारे में सभी थे। न्याय मिला है, आप क्या कहेंगी? न्याय बहुत अच्छा मिला है, लेकिन आज भी न्याय में कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ रह गई हैं, क्योंकि अभी तक गुड्डू पद जो मेरे सिपाही थे, सुरक्षाकर्मी जो राघवेंद्र और संदीप निषाद थे, तो इनके भी जो हत्या में शामिल लोग थे, जिसमें से गुड्डू बमबास था, साबिर था, अरमान था, और कहीं ना कहीं साजिशकर्ता की प्लान जो बनाई, रूपरेखा जिसने बनाई थी, वो भी शामिल है उसमें, शाइस्ता परवीन भी शामिल है। तो आज भी वो लोग कहीं ना कहीं वो हैं और छुपे हुए हैं, और इतिहास गवाह है कि ये लोग तुरंत कभी कोई चीज़ का खात्मा करने के लिए तुरंत नहीं करते, वो सब एकजुट होकर के फिर प्लान करते हैं, फिर उसका खात्मा करते हैं। तो ये आज भी डर हमको है। क्या मांग करेंगे? मैं मांग यही करूँगी कि जो भी हत्या में शामिल थे और आज भी हैं, और उनके साथ के लोग भी जो शामिल हैं, यानी पीछे कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे, क्योंकि वो सभी उनसे जुड़े हुए थे, और वो सब भी चाहेंगे, क्योंकि जैसा वो उसके बच्चे ही थे, नाबालिग थे, लेकिन छोटा होकर के भी इतनी बड़ी कारनामा करना कि हाँ, मोबाइल वितरण करवाना, सिम खरीदना, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं सही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कल को नासूर बन सकते हैं। क्या मांग करेंगे? मैं सिर्फ यही मांग करूँगी कि इन सभी को भी कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई हो। योगी जी से उम्मीदें हैं? बिल्कुल उम्मीद है उनसे, और उन्होंने जो न्याय दिया था, पिता तुल्य कार्य उन्होंने किया, क्योंकि हम सभी उनके संतान हैं, वो अपने पिता समान है मेरे, और आप सभी के भी हैं, क्योंकि न्याय उन्हीं के माध्यम से मिला है, और मुझे उम्मीद है आगे भी न्याय मिलेगा। आगे भी न्याय मिलेगा।